अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आपके साथ कृष्णा और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर यादव जी हैं और इन्होंने कोरोना काल में जिस तरह से आम लोगों की आम जनमानस की जिस तरह से मदद किया है उसके इनके सब लोग कायल हैं और इन्होंने अपनी ये जौनपुर में मुगरा विधानसभा से आते हैं और मुगरा विधानसभा में लगातार जब तक लॉकडाउन था तब तक इन्होंने किसी को भूख से कोई न मरने पाए इसको इसकी इन्होंने पूरी कोशिश की और उस कोशिश में सफल भी हुए। आज हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे कि अभी जिस तरह से दो दिन से कोरोना किट घोटाला को लेकर बवाल चल रहा है, कोरोना किट घोटाला सामने आया है और जिसमें दो अधिकारी सस्पेंड भी किए गए हैं और जिसके लिए SIT जांच बैठाई गई है, क्या लगता है क्या कुछ निकल के आएगा, कहाँ योगी सरकार कहाँ से चूक हो गई? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी आपका, आप मुगराबाद साहब और विधानसभा में आए और जो कोरोना का किट का घोटाला का मैटर है, आम जनता बहुत परेशान है जी। आज आदमी को नॉर्मल जिसको सर्दी बुखार भी हो गया है उसको भी ऐसा लोग डरा देते हैं या कोई रिपोर्टें कुछ गलत भी आ गई है ऐसा सुनने में आता है और डॉक्टर लोग भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग आजकल समझ में नहीं आ रहा है इनकी जो सेवा भाव थी कहाँ ख़त्म हो चुकी है। गरीब आदमी कितना पैसा कहाँ से लेके आएगा, किसान मजदूर युवा कहाँ से लाएगा इतना पैसा जब लाखों रुपया बिल बना देते हैं। सरकार को चाहिए था कि कोरोना का जो भी खर्चा हो इसका सरकार इसका खुद वहन करे, तब जाके गरीब मजदूर किसान के लिए अच्छा होता। आज लोग मुंबई दिल्ली कलकत्ता गुजरात से जो हालत में आए हैं कोरोना में, शायद हम लोग उसमें बहुत छोटे होंगे या पैदा भी नहीं हुआ रहे होंगे, जब इंडिया पाकिस्तान के अलग हुए तो उस समय शायद लोगों ने दृश्य देखा, हम लोग के पिताजी बताते कि ऐसा दृश्य हमने भविष्य में कभी नहीं देखा। इसमें भाजपा सरकार एकदम बुरी तरह फेल हो गई है, रेलवे बंद कर दिया इन्होंने, यातायात पूरा एकदम बंद कर दिया, बस बंद कर दिया, लोग पैदल चल के आए हैं, छोटे छोटे बच्चे महिलाएं बूढ़े लोग भूखे रह रहे के दो दो चार चार दिन पांच पांच दिन पैदल चलते रहे यात्रा करते रहे, फिर भी उनकी मदद नहीं किया इन्होंने। लोगों को भाजपा से जो उम्मीद थी वो ख़त्म हो चुकी है, जो भी मोदी जी आज तक वादे किए, चाहे उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का बोला, चाहे उन्होंने 15 लाख देने का बोला, चाहे उन्होंने 1 सर के बदले 10 सर लाने के लिए बोला, एक भी वादे पे खड़े नहीं उतरे। आज आपको मालूम है चाइना वहाँ पे अपनी ज़मीनें देश की कब्जा कर रहा है, ये आज तक इनके मुंह से एक बार चाइना का विरोध नहीं करते देखा, ये क्यों डर रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण है, या तो इन्हीं लोग को मालूम है, लेकिन देश ये जान चुका है कि इनसे जुमलेबाजी चाहे जो करवा लो, काम इनके बस का नहीं है, देश चलाना इनके बस की बात नहीं है। 6 वर्ष में इन्होंने 14-15 करोड़ नौकरियां खा गए हैं, चाहे वो अपना BSNL का हो, चाहे वो जेट एयरवेज का हो, भारत पेट्रोलियम बेचने के लिए तैयार हैं, हर एक चीज़ एयर इंडिया बेचने के लिए तैयार हैं। मेरा मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है, मोदी जी आपने बनाया तो कुछ नहीं, 70 साल में जो देश ने तिनका तिनका करके इकट्ठा करके जोड़ के बनाया था देश ने, आप उस चीज़ को क्यों बेच रहे हो? अगर बेचना है तो मैं आपसे बार बार विनती करूंगा, आप अपनी बनाई हुई चीज़ बेचो। आपने जितना देश में टॉयलेट बनाया आप उसको बेचो, देश के किसी भी नागरिक को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, फिर आपके समझ में आएगा कि आपने क्या काम किया। 6-6.5 वर्ष में आपने एक भी पैसे का काम नहीं किया, आज युवा बेरोजगार है, घूम रहा है, काम नहीं धंधा नहीं। बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पहले कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में लाइट जलाई गई, थालियां बजाई गई, उसके बाद जब धीरे धीरे जब अनलॉक की प्रक्रिया पूरी होने लगी तो उसके बाद फिर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और तमाम अदर पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता ने अब बेरोजगारों के लिए उन्होंने भाई लाइट बंद करके दिया जलाने का जो किया, क्या इससे लगता है कि इस तरह से करने से क्या सरकार जागेगी, क्या फिर इनको रोजगार मिलेगा? देखो यह सरकार ना सुन रही है ना देख रही है ना कुछ बोल रही है,
इनको जगाने के लिए युवाओं ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे देश में जो 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट ताली थाली मसाल जलाया गया, इनको दिखाने के लिए कि आपने आज देश को कहां से कहां लाके बर्बाद कर दिया। आज देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, आज देश की जीडीपी 24% माइनस पे है। ये तो आए थे $5 ट्रिलियन करने के लिए, ये केवल बोल वचन करते हैं। गंगा मैया ने बुलाया है, हम यहां के बेटे हैं, हम ये करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा के सांसद जितने गांव को गोद में लिए थे वो गांव कहां पे हैं? अभी गोद में हैं या चल रहे हैं? 100 स्मार्ट सिटी ला रहे थे, हमको तो नहीं लगता है देश में एक भी स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाया। इन्होंने बुलेट ट्रेन बोले लेके आने को, बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, जो हमारे देश की भारतीय रेल थी उसको भी बेचने के लिए तैयार हो गए। और अडानी को देखो, उन्होंने मालगाड़ी चलवा भी दिया है शायद, अभी भी इनके समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे देश हित में नहीं है कि जो सरकार की कंपनियां बेची जा रही हैं। लोग पहले माँ बाप अपने बच्चे के प्रति, जब उसको सरकारी नौकरी मिल जाती तो ऐसा लगता था उसको अब जीवन सेट हो गया है, वो अपना परिवार अच्छे से पाल पोस के रह सकता है। अच्छा सर, बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने जो 70 सालों में नहीं किया, बीजेपी ने, उनके ही लोग उनके ही नेता कहते हैं कि बीजेपी ने 6 सालों में करके दिखा दिया। और जिस तरह से निजीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है, रेलवे को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर, और तमाम सारी कंपनियां जो हैं, और LIC को लेकर, और अभी 3 दिन पहले SBI से 30,000 कर्मचारी निकाले गए हैं। क्या लगता है अगर इस निजीकरण से, अगर ये प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ चला जाएगा, क्या इससे देश का विकास और तेज़ी से होगा? अगर देश का विकास नहीं होगा इससे, तो विपक्ष इस पर मौन क्यों है? आप जानिए इस चीज़ को, हमारे देश की GDP 24% माइनस है, और हमारे देश के 2 उद्योगपति हैं, मेरे को उनका नाम लेने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है, अडानी और अंबानी, उनका देख लीजिए कितना बड़ा ग्रोथ हो रहा है। क्यों? देश के सारे व्यवसाय नीचे जा रहे हैं, इन दोनों व्यक्तियों के व्यवसाय ऊपर जा रहे हैं, इनका GDP ऊपर आ रहा है, इनका उद्योग अच्छा चल रहा है, इसमें देश को अभी बहुत बड़ा फर्क लग रहा है। कहीं मोदी जी पूरा देश की हर एक जो संपत्ति है, जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको भी अडानी और अंबानी को दे रहे हैं, क्यों ऐसा? ये हमारे देश में बिल्कुल हित नहीं है, हम सबको इसका विरोध करना चाहिए कि देश की संपत्ति मोदी जी मत बेचिए। जो आपने टॉयलेट बाथरूम बनाया है उसको बेचना है, आप बेचिए। जो कांग्रेस ने बनाया, जो भी और भी पार्टियां ने मिलकर बनाया 70 साल में, वो जो बोलते हैं एक एक तिनका, जब हमारा देश का आजाद हुआ तो हमारे देश में जहाज नहीं बनता था, सुई से लेके आज ट्रक से लेके आज क्या क्या हमारे देश में बन रहा है, आप ये भी तो सोचो। उस समय हमारे देश के पास उतनी शक्ति नहीं थी, फिर भी चाइना से भिड़ गया हमारा देश। आज इनके पास सब कुछ होते हुए चाइना से क्यों इनकी डर लग रहा है, क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्या कारण है? यह देश जानना चाहता है। यह चाइना का झालर जो आएगा दीपावली में, उसका विरोध करवाते हैं और खुद चाइना को ठेका दे देते हैं बड़ा बड़ा। अभी इन्होंने गुजरात में इतना बड़ा उनको जगह दिया है, इतना बड़ा ठेका दिया है, हमारे यहाँ फ्लाई ओवर का ठेका दे दे रहे हैं, सब कुछ बड़े बड़े रोड बनाने का ठेका दे रहे हैं, क्यों? अगर ऐसा विरोध करना है तो चाइना का सामान बंद करो, चाइना का ऐप बंद करने से कुछ नहीं होने वाला है। चाइना का हमारा लेन देन, आयात निर्यात दोनों बंद होना चाहिए, हमको न तुमसे देना है न लेना है। आज हमारे देश की 135 करोड़ आबादी है, कम से कम आज सबसे बड़ा हम उनके, मतलब अगर देखा जाए तो ग्राहक थे, तो चाइना को हम कभी भी दबाव में ला सकते हैं। लेकिन मोदी जी क्यों डर रहे, ये देश आज तक नहीं समझ पा रहा है। चीन का नाम भी आज तक इन्होंने एक बार भी नहीं लिया। पहला तो इन्होंने बोला हमारे देश में, हमारे बॉर्डर पे ना कोई आया है ना कोई गया है, ऐसा क्यों? हमारे सैनिक शहीद हो गए, बगैर कोई आए कोई गए शहीद हो गए, उन्होंने हमारी जमीनें कब्जा कर ली, फिर भी ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके पीछे तो मेरे को बहुत बड़ा लफड़ा लग रहा है, ये देश हित में नहीं है, देश के पूरा जनता को जागना चाहिए और मोदी जी से सवाल करना चाहिए। आप जो बोलते हैं जैसा पाकिस्तान के खिलाफ होता, खुद के तार ठोक के एकदम बयान पे बयान इनके भाजपा के नेता देते हैं, चाइना के खिलाफ एकदम दुम दबा के बैठ जाते हैं, क्यों? यह देश जानना चाहता है
क्या आप चाइना के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? जिस तरह से समाजवादी पार्टी या बेरोजगारों की आवाज लगातार उठा रही है, तो उस क्या लगता है, क्या सरकार जागेगी? क्या वास्तव में बेरोजगारों को इंसाफ मिलेगा? क्या समाजवादी पार्टी इस एजेंडे में सफल हो पाएगी बेरोजगारों को इंसाफ दिलाने में? समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो इनका भाजपा का निस्तो नाबूद करने का दम रखती है, और 2022 में आप सब देख लेना, उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से भाजपा का सफाया होने वाला है, यह शुरुआत पिछली बार भी आपको याद होएगा, फूलपुर और गोरखपुर को सीट को हरवाया था माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने, इनके मुख्यमंत्री का इलाका था, उनकी सीट थी, दूसरा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे फूलपुर से, एक उनकी सीट थी, दोनों सीट हराने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। उसी प्रकार से 2022 में पूरे दमखम से समाजवादी पार्टी के लोग जुटेंगे और इनका तम्बू उखाड़ने का काम भाजपा को समाजवादी पार्टी ही करते हैं। ये बोलते हैं चाय वाले ना, चाय वाले की दुकान बंद करवाएंगे दूध वाले। मैं सभी दूध वाले भाइयों से बोलता हूं कि जहां हैं इनका विरोध करें और डट के खड़े रहें, क्योंकि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, आप देख लीजिए हमेशा इनका एक ही उसूल है, हमेशा पुलिस को आगे कर रहे हैं, गरीब पर, किसान पर, युवाओं पर लाठियां चार्ज करते हैं। अरे आप जो गरीब किसान आपको वोट दिया, आज उन्हीं के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आज युवा रोजगार मांग रहा है तो आप उनके ऊपर लाठियां मार रहे हैं, किसान आपसे मार रहा है, आज किसान का खेती है बर्बाद कर रहे हैं, गाय सांड पूरे खा जा रहे हैं। क्यों? आपने तो बोला ना हमने इतना गौशाला बनवा दिया, डालिए उस गाय को वहां पे, क्यों नहीं डाल रहे हो? आपको ये गुमराह करते हैं, हमेशा इनका एक ही काम है, गाय के नाम पे केवल एक, अपनी पार्टी के नाम पे गुमराह करते हैं, देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं। इनका कोई देश हित में आज तक एक एजेंडा भी सामने नहीं आया। एक लास्ट सवाल आपसे, अभी उपचुनाव होने जा रहा है, 8 विधानसभाओं का उपचुनाव होने जा रहा है, तो जिसमें क्या लगता है समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लाएगी? क्या ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए सेमीफाइनल है 22 के चुनाव के लिए? समाजवादी पार्टी पूरे सीट पे लड़ने वाली है, 8 सीट पे मजबूती से लड़ेगी, और देश देखेगा, प्रदेश देखेगा कि समाजवादी का परचम लहराएगा उत्तर प्रदेश में। और ये है जो 8 सीट है, इसमें से योगी जी को एक भी सीट, इनका खाता भी नहीं खुलने वाला। देश की जनता इतनी त्राहिमाम है, परेशान है, लोग भूखे मरने को मजबूर हो गए इनके राज में। आज सोचिए, इतना बढ़िया जीडीपी चल रही थी, मनमोहन सिंह जी थे, 10% हमारे देश की जीडीपी थी, आज -24% हो गया। उस समय भी इन्होंने बोला था कैसा होएगा वैसा होएगा, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं देश में। किसान की आय दोगुनी करेंगे, कुछ नहीं हुआ। बोले 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा, वो भी नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार देने के बोले, वो भी नहीं आया। इन्होंने गांव को गोद में लिया सांसद लोग, वो भी कुछ नहीं किया इन्होंने। इनसे केवल जुमलेबाजी करवा लो, देश चलाना भाजपा के बस की बात नहीं है। ये मुंह चलाना जानते हैं, देश चलाना नहीं जानते हैं। दो भाइयों को लड़वाना जानते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करना जानते हैं। इनका सब हमेशा फूट डालो और राज करो, यही इनकी रणनीति रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से वर्तमान समय में राजनीति चल रही है, जिसको देखते हुए अभी 8 विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो राजेंद्र जी का साफ तौर पर कहना है कि ये 8 विधानसभा का उपचुनाव, इसमें समाजवादी पार्टी 8 की 8 सीटें लाने वाली है, और ये किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है 22 के चुनाव के लिए, क्योंकि ये पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी देखा गया था कि लोकसभा फूलपुर और गोरखपुर की जो 2 सीटें थी वो समाजवादी पार्टी ही थी, उसके बाद लेकिन समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस समय जो वर्तमान राजनीति चल रही है, जिस तरह से जनता सड़क पे है, और 9 तारीख को जिस तरह से जनता ने एक बेरोजगार के समर्थन में अपना सपोर्ट करके दिखा, उससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ में पूरी तरह से लोग धीरे धीरे आने लगे हैं।